हाय फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो कि है सिटी बैंक से। सिटी बैंक में जो जॉब रोल है वो है ऑपरेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट, जिसकी हम बात आगे करेंगे डिटेल में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं आपकी। बस इतना जान लीजिए, आप अगर कोई भी ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट बोल मांग रहे हैं। सैलरी जो है अप्रॉक्स लगभग आपको 40,800 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। एज आपकी 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए और इसका लास्ट डेट है 15 मई। तो एक्सपेक्ट ऐसा करें कि 15 मई को फॉर्म बंद हो जाएंगे, तो आप कोशिश करिएगा जैसे ये वीडियो देखें लिंक पर जाकर जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब अपडेट भी प्लस फॉर्म कैसे भरना है वो भी सेम वीडियो में बता दिया जाएगा शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि कैसे फॉर्म भरना है, डिटेल में बताइए, एक एक स्टेप बताइए, तो आप मुझे बस कॉमेंट बॉक्स में एक कॉमेंट कर दीजिए कि यस डिटेल में जानना है मुझे फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, तो हम आपकी उसमें भी हेल्प कर देंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अगर फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं, बट डिटेल में जाने से पहले एक रिमाइंडर है आपके लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द बेल आइकन एज़ वेल, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब जॉब अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिटेल में। तो आपके फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट जो होगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली सिटी ग्रुप के ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, इनके करियर पेज पर लैंड करेंगे। आप यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और वहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ ऑपरेशंस सपोर्ट स्पेशलिस्ट जॉब रोल। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, बट हम अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे कि हमारे जॉब रोल में करना क्या है हमको, ठीक है, तो देख लेते हैं बारी बारी से। सो बेसिकली इस जॉब रोल में आपको कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। ऑल्सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, इन डेप्थ सॉल्यूशंस, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रोवाइड टीम असिस्टेंट, आपको टीम असिस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सर्विंग एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपको उनको ऐसे टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं, तो आपको उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह सर्व करना पड़ेगा। लीडिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स की तरह आपको वर्क करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। नए नए जो कैंडिडेट्स हायर हुए होंगे उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा या वर्क यूनिट में ट्रेन करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग डेली गाइडेंस टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, आपसे जो नीचे काम कर रहे हैं आपको उनको डेली वर्क, डेली गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपको उनको सिखाते रहना है या बताते रहना है। ओके, एलोकेशन ऑफ वर्क, किस एम्प्लॉय को क्या काम देना है, क्या नहीं देना है, तो वो एलोकेट करना है आपको जैसा भी ज़रूरी हो। कंडक्ट बेसिक एनालिसिस एंड रिसर्च एज वेल एज वर्क फ्लो मैनेजमेंट, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं वर्क फ्लो मैनेजमेंट को कैसे अच्छा बना सकता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने लोअर लेवल एंड हायर लेवल एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, है ना। तो सीनियर मैनेजर से भी आपको इंटरेक्ट करना है, आपके लोअर एम्प्लॉयज़ से भी आपको करना है, तो कम्युनिकेशन शुड बी गुड। ऑल्सो अप्रोप्रिएटली assesses रिस्क when business decisions आर मेड, जब business decisions होते हैं तो business decisions लेना आना चाहिए कि किस टाइम पर क्या decision किस टाइम पर क्या decision लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप करते करते सीख जाएंगे, सो नॉट एन इशू। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं डिटेल में। स्टार्टिंग में आपको पहले बता दिया गया था कि एटलीस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो अगर आपके पास मिनिमम 0 ईयर का एक्सपीरियंस, मैक्स टू मैक्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 0 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो बिजनेस ऑफिस एंड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कंप्यूटर में आपको प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। मैथ स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, आप कैलकुलेशंस में बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी हो, स्प्रेडशीट्स बनानी आनी चाहिए। बेसिकली एमएस ऑफिस जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आपको एक्सपर्ट होना है। डेमॉन्स्ट्रेट टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज, कंसिस्टेंटली डेमॉन्स्ट्रेट्स अटेंशन टू डिटेल्स,
डेमॉन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं कंपनीज़ में, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं बेसिक वर्क एरिया का, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है, जनरल आना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो आप तो फिर आपको तो काफ़ी कुछ आता होगा, बट अगर आप फ्रेशर हो तो नॉट टू वरी, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर इनको फुल टाइम ग्रेजुएट चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। कुछ लोग होते हैं जो पार्ट टाइम कर लेते हैं, डिस्टेंस कर लेते हैं, है ना, करस्पॉन्डेंस कर लेते हैं, तो वो नहीं चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है फुल टाइम ग्रेजुएट, रेगुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएट किया है। दिस जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ हाई लेवल रिव्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म, अदर जॉब्स रिलेटेड ड्यूटीज मे बी असाइंड एज रिक्वायर्ड। अब ये सारी चीज़ें आपको एक बार और डिटेल में पढ़ लेनी है, और उसके बाद या तो आप इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, या वापस ऊपर जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। अब इस नए पेज में आपको बोलेंगे साइन इन करिए, बट आपका तो ईमेल एड्रेस है ही नहीं, आपने तो पहले अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डाल देनी है, तो डाल देते हैं। पासवर्ड वेरीफाई, फिर से डाल देते हैं पासवर्ड। फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा, साइन इन टू दिस, ओके, यूज़ माय लास्ट एप्लीकेशन या फिर स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो आप अपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्म है, आपको इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। सबसे पहले तो कहाँ से आपने सुना, यूट्यूब से सुना, फेसबुक से सुना, इंस्टाग्राम से सुना, तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जनरल जनरल चीज़ें, किसी ने रेफ़र किया, लीगल, आपका नाम क्या है, लीगल नेम, मतलब जो भी आपका 10th 12th की मार्कशीट में नाम है, फैमिली नेम क्या है, लोकल लोकल गिवन नेम्स, लोकल फैमिली नेम्स, ये सारी चीज़ें आपको, पोस्टल कोड, एड्रेस से रिलेटेड, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स में है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर माय एक्सपीरियंस पे जाएंगे, तो अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस पे बता दीजिएगा, आप अपना कंपनी नेम एंड किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें भर देना है। उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, तो इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कुछ, वो क्वेश्चंस आपको करना है, इजी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स एंड रिव्यू, मतलब लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको इजीली करनी है, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है। आप जैसे ही अपना फॉर्म फिल करेंगे आपको मेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड वो नोटिफिकेशन का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको वेट करना है। तो ये था सारा कुछ फॉर्म के बारे में, और आई होप आपको क्लियर है सब कुछ। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म की डिटेल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम आपको अभी फॉर्म भरना सिखाएंगे या बताएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में बताया जाए एक एक स्टेप कैसे भरना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।